राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की आपसी सुलह की पेशकश के बाद सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुस्लिमों को सरयू नदी के पार मस्जिद का प्रस्ताव उनका मान लेना चाहिए, नहीं तो 2018 में जब राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत होगा तो कानून बनाकर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। तो हम ऑफर दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज के लिए कि आप मस्जिद सरयू नदी के उस पार बना लीजिए और हम यहाँ मंदिर बना देते हैं, और ये नहीं मानेंगे तो फिर हम कोर्ट में बहस करेंगे और 2018 को हमारी बहुमत होगी राज्यसभा में और उस तक फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर हम जाकर राज्यसभा से विधेयक पास कर देंगे और पास करके वहां राम मंदिर बनाएंगे। स्वामी का बयान आने की देर थी कि इस पर सियासत शुरू हो गई। सत्ता पक्ष ने जहां इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी तो वहीं विपक्ष ने इस बयान पर हमला बोल दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट करना और ये कहना इस बात का सबूत है कि सबसे पहले उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। इनका पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया कि वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि आपसी समझौते से इसका हल निकल सकता है, निकल जाना चाहिए और अब निकाला जाना चाहिए, कोर्ट की राय सही है। राम मंदिर का मुद्दा 1979 के बाद अपने उफान पर था। इस मुद्दे से देश की राजनीति प्रभावित होती रही है। हिंदू संगठनों का दावा है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली को तोड़कर 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद बनी थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।